everyone, welcome to AWA family, our YouTube channel Akash Vankade Academy AWA. और ये आज का जो टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये टॉपिक बेटा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। चलो तो इसके हम पहला टॉपिक शुरू कर लेते हैं जिसका हेडलाइन है सिंपल प्रॉब्लम्स। इससे रिलेवेंट मैं आपको कुछ क्वेश्चन खुद पढ़ा देता हूँ, सिमिलरली आप खुद प्रैक्टिस के लिए देता हूँ मैं आपको प्रॉब्लम्स विद आंसर्स। चलो तो इसके कुछ कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज बेटा ये पहला क्वेश्चन आपको इवेल्युएट करने के लिए आता है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है डायरेक्ट इतना आएगा, लेट आया वगैरह लिख कर नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट उसमें सॉल्यूशन भी शुरू करना चाहता हूँ इसलिए मैंने उस प्रकार से लिखा है। तो आपको अगर इस प्रकार का क्वेश्चन इवेल्युएट के लिए आता है तो पहले ये बहुत ज़रूरी है ऑब्जर्व करना कि तीनों का लिमिट क्या है। अगर बेटा लिमिट वेरिएबल में है, जैसे इस प्रॉब्लम की वेरिएबल एक्स वाई और जेड है, तो पहले तीन में से वो लिमिट सिलेक्ट करना जिसमें ज़्यादा वेरिएबल है। और डेफिनेटली यहाँ मुझे थर्ड इसमें ज़्यादा वेरिएबल दिख रहे हैं, और वो कौन से वेरिएबल है बेटा, थर्ड इसमें एक्स और वाई वेरिएबल है। तो याद रखना अगर कोई लिमिट में एक्स और वाई वेरिएबल है इसका मतलब वो लिमिट जेड का कन्फर्म है, ये जेड का लिमिट हो गया। चलो तो जेड चला गया, अब ये बचे दो लिमिट, ये दो लिमिट में से एक एक्स का लिमिट होगा और एक वाई का लिमिट होगा, लेकिन वो कन्फर्म कैसे होगा? तो ये दो में से वेरिएबल वाला लिमिट ये है और ये एक्स में वैरी हो रहा है। जो लिमिट एक्स में वैरी हो रहा है बेटा वो लिमिट वाई का होगा क्योंकि जेड तो चला चुका है। और अब डेफिनेटली अगर ये जेड का है ये वाई का है तो ये वाई का होगा एक्स का। जरूरी नहीं कि हर बार सिक्वेंस इसी प्रकार से आएगा एक्स वाई जेड, वो डिपेंड करता है कि लिमिट्स कौन से वेरिएबल में है और जो वेरिएबल उसमें मिसिंग होगा, जैसे इसमें जेड मिसिंग था इसलिए लिमिट जेड का है, जेड अगर खेल से बाहर चला गया तो बचा एक्स और वाई, और इसमें अगर लिमिट में एक्स है तो ये लिमिट काय का हो जाएगा वाई का, वाई और जेड चला जाएगा तो बचेगा कौन एक्स। अब आगे क्या करना, एक बार अगर बेटा आपको लिमिट्स कौन सा किसका है ये अगर पता चल गया तो फिर आगे सॉल्व करना थोड़ा सिंपल है। तो आप पहले वो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल सॉल्व करो जिसमें ज़्यादा वेरिएबल है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें ज़्यादा वेरिएबल बोले तो एक्स और वाई दो वेरिएबल है इसमें, तो आप पहले इंटीग्रेशन जेड के साथ करोगे। तो अब यहाँ वैसे पहला प्रॉब्लम इसलिए पूरा डिटेल में लिख कर देता हूँ, यहाँ लिखोगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू जेड, पहले जो होगा ना बेटा वो जेड के साथ होगा। और इस ई के जीरो टू लॉग टू जीरो टू एक्स ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर वाई, इसको आप सेपरेट लिख सकते हो बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ इंडाइसेस। कोई एक टर्म के ऊपर अगर बहुत सारे टर्म का एडिशन है तो आप उसको ब्रेक करके लिखोगे और मल्टीप्लाई में लिखोगे, फिर बचा है यहाँ पे ई टू पावर जेड। अब सिर्फ ई टू पावर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है, ई टू पावर जेड का इंटीग्रेशन ई टू पावर जेड ही होगा। ओके नाउ और उसका लिमिट क्या है बेटा, जीरो से लेकर एक्स प्लस वाई। अब डी एक्स डी वाई रहेगा, डी जेड चला जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू जेड किया था। कम ऑन देख लो सब लोग, ई टू आर एक्स प्लस वाई एज इट इज रहा, ई टू आर जेड कंडीशन ई टू आर जेड ही होगा और लिमिट जीरो टू एक्स प्लस वाई है, डी जेड चला जाएगा डी एक्स डी वाई बचेगा। अब आप इसको पहले लिमिट को अप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेशन जीरो टू लॉग टू जीरो टू एक्स ई टू पावर एक्स और ई टू पावर वाई एज इट इज, इसको अगर अपर लिमिट अप्लाई करोगे बेटा तो ई टू पावर एक्स प्लस वाई आएगा, और लोअर लिमिट लग रखोगे तो जेड के जगह जब जीरो तो ई टू पावर जीरो है एंड ई टू पावर जीरो बिकम्स वन, इसलिए आप इस प्रकार से इसको लिखोगे। कम ऑन अब आप इसको और थोड़ा अंदर लेकर चलो तो क्या क्या मिलेगा सोचो सब लोग, जीरो टू लॉग टू पहला लिमिट, दूसरा जीरो टू एक्स, ये जब अंदर जाएंगे तो कैसा होगा सोचो, तो यहाँ आएगा ई टू पावर टू एक्स प्लस टू वाई माइनस ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई, इस प्रकार से हो जाएगा डी एक्स और डी वाई। अब आपको सोचना है कि इंटीग्रेशन अब काय के साथ करोगे, तो डेफिनेटली अब बारी है इस लिमिट को गायब करने की क्योंकि ये तो कांस्टेंट है वेरिएबल सिर्फ इसमें है और ये लिमिट वाई का है बेटा डोंट फॉरगेट। तो अब आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई लिखना है यहाँ पे। चलो अगर बेटा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो इसमें से सिर्फ वाई के टर्म को टारगेट करना, जैसे डी वाई और ये लिमिट।
चलो जो x का लिमिट है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि आप इंटीग्रेशन y के साथ कर रहे हो, तो बेटा सिमिलरली e रेस टू पावर 2x एज इट इज रहेगा e रेस टू पावर 2y का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये पावर सेपरेट हो जाता है, e रेस टू पावर 2y अपॉन में 2 आएगा और लिमिट आएगा 0 से लेकर x। सिमिलरली और ये e रेस टू पावर x विल बी एज इट इज और e रेस टू पावर y का इंटीग्रेशन e रेस टू पावर y होगा, लिमिट आएगा बेटा 0 से लेकर x, ये ऐसे और यहां आएगा dx। अब आप पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट इसको लगा लो, तो सोचो क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में। डेफिनेटली i इक्वल टू 0 टू log 2 आएगा, यहां अपर लिमिट अप्लाई करोगे बेटा तो e रेस टू पावर 2x ये अपॉन में 2 इधर ले लो और बोलो यहां पे y की जगह अगर x रखोगे तो e रेस टू पावर 2x आएगा, बाद में y की जगह 0 तो e रेस टू पावर 0, e रेस टू 0 क्या होता है 1, वैसे इधर सोचो e रेस टू पावर x एज इट इज, इधर y की जगह x रखोगे अपर लिमिट तो e रेस टू पावर x, बाद में अगर 0 रखोगे तो e रेस टू पावर 0 इज 1, सोचो करेक्ट है क्या। कम ऑन एवरीवन, अब आपको बेटा आगे सोचना है, जो भी टर्म दिख रहे हैं वो सारे x के, थोड़ा इसको सिंपलीफाई करके हम लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 टू log 2 ओके। और बोलो ये e रेस टू पावर 2x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, e रेस टू पावर 4x अपॉन 2x प्लस 2x 4x, ये अब इसके साथ करो माइनस e रेस टू पावर 2x अपॉन 2, अब ये e रेस टू इसके साथ करो माइनस e रेस टू पावर 2x और ये माइनस और माइनस प्लस e रेस टू पावर x, इस प्रकार से आपको सारे टर्म x के मिल गए। अब डेफिनेटली इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इस दोनों को कंबाइन करने तो कर सकते हो क्योंकि दोनों e रेस टू पावर 2x के टर्म्स है, सो 0 टू log 2 ये इंटीग्रेशन का लिमिट है और अंदर रहने वाले टर्म e रेस टू पावर 4x का एक ही टर्म है वो एज इट इज रहने दो, ये दोनों का एडिशन करोगे तो बेटा इसका कोएफिशिएंट -1/2, इसका -1 तो ये -3/2 हो जाएगा e to power 2x plus e to power x an integration के बाद में आएगा इधर dx। अब आप हक से यहाँ पे यहाँ लिखना integration with respect to x, करो बेटा x के साथ integration तो क्या आएगा, ये 1/2 नीचे का as it is e raised to power 4x का e raised to power 4x और upon में आएगा 4 limit 0 to log 2 minus 3/2 as it is e raise to power 2x का integration raise to power 2x upon 2 limit 0 to log 2 plus e raise to power x का integration raise to power x ही आएगा और limit 0 से लेकर log 2। आप individual integration को limit लगा सकते हो या फिर आप इसको combine भी limit दे सकते हो बेटा। अब आप इसको upper limit lower limit apply करके सोचो कि क्या मिलेगा, come on यहाँ आएगा 1/8 और बोलो अपर लिमिट लगाओगे तो ये e रेस टू पावर 4x की जगह आएगा पहले log 2, बाद में x की जगह 0 रखोगे तो e रेस टू पावर 0 का 1 हो जाएगा, वैसे इधर -3/4 है e रेस टू पावर 2 log 2 आएगा बेटा और e रेस टू पावर 0 क्या हो जाता है 1, वैसे इधर e रेस टू पावर log 2 और e रेस टू 0 का क्या हो जाएगा 1, इस प्रकार से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गए। देखो सब, अब आगे सोचो कुछ लोग गड़बड़ करते हैं बेटा e के ऊपर का log कैंसिल होता है लेकिन ये 4 है इसलिए प्रॉब्लम होगा, तो पहले ये 4 को ऊपर ट्रांसफर करना जरूरी है, तो ये बनेगा e रेस टू पावर log 2 रेस टू पावर 4 बोले तो 16 हो जाएगा, यहाँ 1 है कम ऑन बराबर ऑब्जर्व करो, वैसे इधर भी ये 2 ऊपर भेज दो तो ये e रेस टू पावर क्या आएगा बेटा log 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, ये ऑलरेडी e और log कैंसिल हो गया यहाँ 2 माइनस 1 आएगा, कम ऑन पॉइंट पे नोटेड e के ऊपर का log कैंसिल क्योंकि यहाँ सामने कोई भी टर्म नहीं है, यहाँ थे तो हमने पहले log का प्रॉपर्टी यूज करके उनको ऊपर भेज दिया। अब डेफिनेटली आप हक से यहाँ बोल सकते हो कि सर ये e और log कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 16 माइनस 1 बचेगा, वैसे ही बेटा इधर ये e और log कैंसिल हो जाएगा तो 4 माइनस 1 बचेगा, यहाँ 2 माइनस 1 1 बचेगा, कम ऑन अब बोलो 16 माइनस 1 15, तो ये 15/8 है,
फोर माइनस वन थ्री, थ्री थ्री सा ये नाइन बाय फोर है और ये वन। अब इसका पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो बोलो बेटा क्या आएगा, 15/8। इंजीनियरिंग वाले को कैलकुलेटर अलो है तो आप डायरेक्ट कैल्सियम रख के इसके आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो, विदाउट कैल्सियम आपको बताना चाहता हूँ। तो क्या आएगा सोचो, माइनस नाइन और प्लस फोर व्हाट विल बी, माइनस फाइव अपॉन फोर आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। अब इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 60 माइनस 40 अपॉन 32, सो व्हाट इज दैट, 20/32। और इसको बेटा 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ आएगा 5/8 एंड दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर। इस प्रकार से जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन को बरबर ऑब्जर्व करो, वापस आप पहले लिमिट डिसाइड करो कि कौन सा लिमिट क्या क्या है बेटा। अगर ये x और z में वैरी हो रहा है तो ये लिमिट y का हो गया, अगर ये y का हो गया तो फिर अब बचा कौन, x और z, और अगर ये z में वैरी हो रहा है तो ये फिर x का हो जाएगा और ये आखिरी में हो जाएगा z का। अब आप उसके साथ इंटीग्रेशन पहले करोगे जिसमें ज़्यादा वेरिएबल है, तो ज़्यादा वेरिएबल ये थर्ड में दिख रहे हैं तो इसका मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होना चाहिए। तो आप यहाँ लिखना इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, और इसमें y के टर्म को ही टारगेट करना आप लोग। अब देखो कैसे होगा, i इक्वल टू माइनस वन टू वन जीरो टू z। अगर आप y के साथ इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो इसका तो हो जाएगा, लेकिन बेटा ये प्लस करके जो साइड में x और z है उनका भी इंटीग्रेशन होगा। तो जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y रहेगा तो x और z कॉन्स्टेंट ट्रीट करने पड़ेंगे, और यू नो दैट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है तो यहाँ क्या होगा पता है, x आएगा और x के साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो। और इसको लिमिट अप्लाई कर दो x माइनस z और x प्लस z। चलो इस x का मैटर क्लोज, वैसे y का इंटीग्रेशन y के साथ ही करोगे तो पावर x से बढ़ाना पड़ेगा तो y स्क्वायर अपॉन 2 आएगा कम, और इसका लिमिट बेटा x माइनस z से लेकर x प्लस z। z का भी इंटीग्रेशन अगर आप y के साथ करें तो z के साथ भी y जुड़ेगा, तो x माइनस z और x प्लस z। इस प्रकार से आपने हर एक के साथ इंटीग्रेशन y के साथ किया है। हाँ, अगर बेटा सपोज ये x y z मल्टीप्लाई में होते जैसे ये प्लस में है तो फिर x और z को हम एज इट रखते सिर्फ y का इंटीग्रेशन करते, लेकिन अगर वो तीनों अलग अलग टर्म है तो आपको हर एक का इंटीग्रेशन करना जरूरी है। नाउ अब आप लिमिट अप्लाई करने का सोचो, सो माइनस वन टू वन जीरो टू z, यहाँ जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये x एज इट इज है, पहले बोलो अपर लिमिट, या अपर लिमिट बेटा x प्लस z आएगा, और लोअर लिमिट लगाओगे तो इसके सामने माइनस आएगा, इसका मतलब ये दोनों के साइन चेंज क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका साइन चेंज करोगे तो प्लस एक्स का क्या होगा माइनस एक्स, और माइनस जेड का क्या होगा प्लस जेड। चलो ये होगा इसका, वैसे इधर करो बेटा प्लस वन बाई टू एज इज रहने दो, और वाई स्क्वायर तो पहले एक्स प्लस जेड का स्क्वायर करेंगे माइनस उसके बाद एक्स माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे, सोचो बराबर वैसे इधर चलेंगे प्लस z as it is, ये y के जगह पहले x प्लस z आएगा रे बाबा, और अपर लिमिट के बाद माइनस लोअर लिमिट इस दोनों के साइन चेंज, तो प्लस x का माइनस x और माइनस z का प्लस z, और यहाँ पे फिर ये बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट कर देना और यह आएगा dx और dz। पहले बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो एंड देन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोलो माइनस वन टू वन जीरो टू z, तो यहाँ क्या मिल रहा है x, मुझे लगता है प्लस x माइनस x कैंसिल होगी, यहाँ पे 2z बचेगा तो 2z इंटू x 2xz बोल दो इसको। वैसे अब इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना बहुत जरूरी है, 1 बाई टू बोलो बेटा इसका क्या है, x स्क्वायर प्लस 2xz प्लस z स्क्वायर, और ये इसका एक्सपेंशन होगा लेकिन उस हर टर्म का फिर साइन चेंज होगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो क्या आएगा बाबा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो बोल तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आता है माइनस टू एक्स जेड, लेकिन ये सामने माइनस है इसलिए प्लस टू एक्स जेड हो जाएगा, फिर आता है प्लस जेड स्क्वायर लेकिन ये माइनस है तो माइनस जेड स्क्वायर कम, और इधर प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो बेटा जेड प्लस जेड टू जेड, टू जेड इंटू जेड
2z into z 2z का स्क्वायर और बाद में आएगा dx और dz. कम ऑन, अब सोचो आगे क्या होगा. -1 to 1 0 to z, यहां पे प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, z स्क्वायर ये z स्क्वायर कैंसिल. अब बराबर सोचना, 2xz + 2xz 4xz, 4xz के नीचे 2 है तो वापस इस टोटल का आएगा बेटा 2xz, वो 2xz + ये 2xz 4xz. तो ऑल इन ऑल इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने के बाद 4xz आएगा और प्लस उधर है 2z + 2z स्क्वायर और यहां है dx और dz. अब आपको सोचना है कि इंटीग्रेशन काय कैसे होगा, क्योंकि इसका सिंपलीफिकेशन तो हो चुका है. अब अगर बेटा लिमिट को ऑब्जर्व करोगे तो लिमिट z में वेरिएबल है और प्रॉब्लम में दो ही वेरिएबल बचे x और z. अगर ये z में वेरिएबल है तो डेफिनेटली ये x का लिमिट है, यानी अब आप यहां लिखोगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसमें x के टर्म टारगेट करो, इसमें x नहीं है लेकिन ये स्पेशल टर्म है इसलिए इसका भी इंटीग्रेशन x के साथ होगा, यानी इस टर्म के साथ x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये z का टर्म है वो कांस्टेंट. चलो करो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. क्या आएगा बेटा, -1 to 1, इंटीग्रेशन अगर x के साथ शुरू है तो 4z एज इज रहेगा यहां पे और इस x का इंटीग्रेशन x2 अपॉन 2 आएगा और लिमिट आएगा 0 से लेकर z. चलो आगे बढ़ो बेटा, ये 2z2 कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन x के साथ है तो उसके साथ x जुड़ेगा और लिमिट आएगा 0 से लेकर z. dx चला जाएगा, अब प्रॉब्लम में सिर्फ dz बचेगा. कम ऑन, अब बेटा इसको बराबर हैंडल करो. -1 to 1, यहाँ 4z अपॉन 2 है तो ये 2z है और x के जगह z रखोगे तो यहाँ z2 आएगा और लोअर लिमिट 0 है तो इस प्रकार से आएगा. सोचो कम ऑन, वैसे इधर सोचो 2z2 है, अपर लिमिट लगाओगे तो z आएगा, लोअर लिमिट के लिए 0 आएगा. दिस इज व्हाट द टोटल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब थोड़ा बेटा बराबर सोचो यहाँ क्या होगा. कम ऑन, मुझे लगता है यहाँ आपको मिल रहा है इंटीग्रेशन -1 to 1 2z into z2 बोले तो 2z³ आएगा, 2z³ और इधर भी 2z³ दिख रहा होगा. टेल मी 2z³ + 2z³ दैट इज 4z³, तो 4 को लिख लेता हूं बाहर और यहां आएगा z³ into dz. टेल मी z³ का इंटीग्रेशन क्या है बाबा, z⁴ अपॉन 4 लिमिट -1 to 1. ये 4 कैंसिल होने के बाद बेटा सिर्फ यहां पे क्या बचेगा, z⁴ उसका लिमिट -1 से 1 और अपर लिमिट लगाओगे तो 1⁴ 1 माइनस -1³ की पावर 4 रहेगा तो 1 ही होगा और 1 - 1 आंसर 0 आएगा. आंसर भले ही 0 आ रहा है बेटा लेकिन मार्क्स पूरे मिले. कम ऑन, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन एंड दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर नोटिफिकेशन. ये जो ट्रिपल इंटीग्रेशन का टॉपिक था ये इंजीनियरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है. कुछ सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए बेटा, आप ट्राई करो घर पे. इसमें तीनों लिमिट अगर कांस्टेंट है तो आप इसमें इंटीग्रेशन पहले किसी भी वेरिएबल के साथ कर सकते हो. एक बात याद रखना, जब लिमिट्स अगर सारे कांस्टेंट रहेंगे तो आप इंटीग्रेशन कोई भी वेरिएबल से शुरू करो सब. बट हम बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, पहले जेड के साथ करेंगे, बाद में वाई के साथ, बाद में एक्स के साथ. तो ट्राई फॉर दिस वन. उसके बाद जो फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम है बेटा, उसमें ज़्यादा वेरिएबल थर्ड लिमिट में है तो x और y अगर इसमें है इसका मतलब ये z का लिमिट हुआ. दिस इज अ लिमिट ऑफ z, दिस इज अ लिमिट ऑफ y एंड दिस इज अ लिमिट ऑफ x. लेकिन अंदर कोई x y z का टर्म नहीं है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ 1 है. तो जब आप इंटीग्रेशन पहले z के साथ करोगे तो फिर उस 1 का इंटीग्रेशन z आएगा एंड z को फिर ये लिमिट अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब 1 है. और 1 का इंटीग्रेशन अगर आप पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हो, करना ही पड़ेगा क्योंकि लिमिट x और y में है, तो फिर उस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, z, और फिर आपको उसको ये लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा. प्रोसीड करो तो आंसर ये वाला मिल जाएगा. तीसरे में नो नीड टू एक्सप्लेन, x और y में अगर ये लिमिट है तो ये z का लिमिट हुआ, ये x में है तो ये लिमिट y का हुआ और आखिर में बचा x. तो पहले जब z के साथ इंटीग्रेशन करोगे तो फिर अब x y को एज इट इज रहने देना, सिर्फ z का इंटीग्रेशन z²/2 होगा. अब इस दोनों को और z z लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तीनों टर्म एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है.
बेटा इस तीन टर्म में और इस तीन टर्म में फर्क है, क्योंकि ये तीन टर्म सेपरेट है, बीच में प्लस है, इसलिए हमने इस तीनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन किया था। लेकिन यहाँ वैसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जेड के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक्स वाई को एज इट इज रहने दो, जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाय टू करो एंड अप्लाई लिमिट ऑफ जेड। जेड की लिमिट को ना एक्स वाई। एक और वीडियो के साथ मैं आपको इसी टॉपिक के साथ जुड़ूंगा।